Hey guys, welcome back to my channel. और जैसे कि आप देख चुके हो कि हम रेडी हो चुके हैं. खुशी का बस थोड़ा सा मेकअप रहता है. हमने बैग्स नीचे भिजवा दिए हैं कार में एंड नाउ वी आर लीविंग फॉर मुंबई. अहमदाबाद से सीधा मुंबई जाएंगे. हो सकता है हम बीच में रुक जाएं, एक आधा परसेंट चांस है अगर खुशी ने ज्यादा लेट कर दिया हमें अहमदाबाद से निकलने में तो. क्योंकि खुशी को अभी See how well my baby knows me. अभी देखो पूरे चांसेस हैं हमारे सूरत में रुकने के. मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ बिकॉज अभी यहाँ से 3 बजे अभी हम घर पे जाएंगे. मेरी मम्मी डैडी के साथ लंच करेंगे हम, ठीक है. फिर हमारी जो सचिन की कुछ वीडियोस बनानी है वो भी बनाएंगे और फिर हम निकलेंगे. तो 5 घंटा लगता है यहाँ से सूरत पहुंचने में गाइस. 5 आवर्स तो लगता ही है यहाँ से सूरत पहुंचने में. तो सूरत पहुंच के अगर बहुत लेट हो गया अगर तो विल जस्ट टेक अ रेस्ट एंड मॉर्निंग में ही अगर बॉम्बे पहुंचे तो अच्छा है. वाई रीजन बताऊं बता सचो. घर अपना होगा बहुत ज्यादा गंदा. हाँ हम 6-8 महीने से गए. 8 महीने से हमारा घर बंद पड़ा है. बहुत ज्यादा गंदा होगा. हम जाते ही मतलब रास्ते में से ही मैं ना सारे अर्बन क्लैप वगैरह बुक कर दूंगी क्योंकि घर गंदा होगा. कम से कम 8 महीने हो गए बैठा भी नहीं गए नहीं हम तो. या तो फिर हम वहां जाके भी होटल में ही रुके साफ कराने तक घर. हाँ, किसी ऑनलाइन साइट से हम बुक कर देंगे जिससे ना पीपल विल कम विद द एंटायर होल टीम और पूरा डीप क्लीन कर देते हैं. डीप क्लीन हाउस कर देते हैं तो. और एसी वगैरह के सर्विस के लिए बुला लूंगी तो इमीडिएटली सारे एसी वगैरह ऑन हो जाएंगे समझे. हाँ. तो हम वी विल बी इन अ पीस. और दिन होगा तो ही लोग आएंगे. आधी रात को जाएंगे तो खुद ही सफाई करके एक बेड में पड़ना पड़ेगा. इसलिए सुबह दिन में ही पहुंचेंगे तो वही बेटर है. वहां पे भी फिर होटल में ही जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा एटलीस्ट एक दिन के लिए ताकि हमें एटलीस्ट पीसफुल नींद हो. इतनी ड्राइव के बाद क्या फायदा इतना पागल. तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे. लेट्स गो. खुशी जल्दी जल्दी चलो नीचे और लंच कर लेते हैं एक बार अंकल आंटी के साथ एंड देन विल हेड टुवर्ड्स मुंबई. हेलो कर दो सबको. नमस्ते. ये ले आइए कार. ओके ओके थैंक यू. चलो वी आर गेटिंग लेट. मुझे फिलहाल बहुत भूख लग रही है. तो घर पे खाना है कि बाहर खाना. इन्होंने तो नहीं मुझे लंच करना था मेरे मॉम तो तुमको मैंने अपने ऑमलेट के बीच में से वो दिए ना साइड के जो आते हैं दो क्या बोलते हैं पोटैटो के कुछ प्रेस पोटैटोस वो मैं खाता नहीं हूँ. वो ये खाती है हमेशा मेरे ऑमलेट के. वो मेरे लिए ही होता है. सुबह ही ऑमलेट ऑर्डर करता है उसमें से वो दो प्रेस पोटैटोस जो आते हैं उसके साथ में अलॉन्ग विद दैट साइड डिश यू नो आई ईट दैट एंड ही ईट्स द ऑमलेट एंड ही ईट्स द ब्रेड एंड आई ईट ये ब्रेड के साथ एंड टोस्ट ब्रेड एक खा लेती हूँ मैं. उसी में से एक ही ब्रेकफास्ट में दोनों का काम हो जाता है. सोचो मैं कितनी इकोनॉमिकल हूँ यार. ओह माय गॉड यार क्या बात. दो ऑमलेट मुझे मंगाने पड़ते पर मैं तो वेजिटेरियन भी निकली. वेरी नाइस. ओ यार नहीं ऐसा कौन से वेजिटेरियन होते हैं ऑमलेट के बीच में से प्रेस पोटैटो खा लेते हैं. ये कौन सा वेजिटेरियन हुआ फिर. अंडे भी नहीं खाती मैं. प्रॉपर वेजिटेरियन लोग तो फिर खाएंगे ही नहीं उस थाली में से कुछ भी. नहीं खाएंगे वो क्यों खाएंगे. दुनिया में इतना सारा खाना पड़ा हम वो खाएंगे भाई. हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ बट तुम तो उस थाली में से खा रही हो ना. वेजिटेरियन जो होते हैं प्रॉपर वो तो खाते हैं. प्रेस पोटैटोज में खाते. अभी यार तुम्हारा पार्टनर नॉन वेजिटेरियन होगा तो आप इतना वो थोड़ी कर सकते हो उस चीज से जो ऐसे सब. ये नहीं होता भाई. मुझे दिक्कत नहीं है जिनको पसंद है वो खाए. मुझे नहीं पसंद मैं नहीं खाए. चलो जिनको दिक्कत है वो सारे खाए. आई लाइक इट. इसको मैंने जिम में भेजा है. इसकी बातों में मत आना. जिम इसको मैं भेजती हूँ रोज. तुम्हारे डाइट चार्ट से लेके तुम्हारे को जिम में कौन क्या कराता है. मैं मेरा वर्कआउट कराती हूँ करा मेरे को. अरे यार मैं हूँ 5 फुट 4 इंच के. ये आदमी है 6 फुट 4 इंच का. इसने मेरे को जिम भेजा. बात तो सुनो मैंने जितने जितने मैंने जिंदगी में कॉम्पिटिशन जीते 70 चीजें करी सब इसने ही भेजा है हमें. इसने ही नहीं इसने ही भेजा. नहीं इसने ही भेजा है जिम में. इसने ही भेजा है. 2010 से मैं कर रहा हूँ. 2010 से खुशी जी ने ही मेरे को जिम में भेजा था 2010 में है ना. एथलेटिक ट्रेनिंग सारी वो अपने आप करते. अच्छा उसमें वेट ट्रेनिंग नहीं होती थी. जितने सेट्स उनसे नहीं लग रहे होते हैं वो सारे में वहाँ खड़े रह के वो यही मार लेती है. मैं मारता ही नहीं वो सेट. जो सेट मुझसे नहीं लगता वो यही मार लेती है. मेरे से नहीं लग पाता. देखो ऐसा नहीं होता कि बंदा 15 रैप मार रहा है पिछले. ये 20 मार लेती है उसी वेट के. 12 मारती 3 नहीं लग पा रहे. तो 3 आपको कोई पुश देता है. देता है नहीं देता.
इतना अनरियलिस्टिक टॉक ना यार, समझ नहीं आती मुझे ना, लोग बहुत अनरियल बात करते हैं यार, फेक बोल बात करते हैं, माय गॉड ऐसा नहीं होता। ठीक है, कार्डियो के अलावा भी कुछ करते होंगे जिम में? 12 जो अब फिर सारी दुनिया आ रही है बॉडी का नॉलेज, तो भाई मैं तो करूंगी ना, मेरा तो अधिकार बनता है। लोग मुझे बोल रहे हैं अरे तुम मोटी हो गई हो, वेट को लॉस करो, तो फिर देखो ये वेट लॉस ही नहीं करा रहे मेरा यार। सो गाइस थैंक यू सो मच। पापा सो गए ये बताइए, पापा सो गए दादा? वो स्पीड ना करता, मैं शांति से। हां ओके, आराम 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 से चलाना। हां आराम, बिल्कुल ठीक है। ओके बाय मम्मी। मम्मी पापा को याद देना, राधा स्वामी के बोल देना। बाय बाय मम्मी, बाय बाय, सी यू, बाय जतिन, बाय पापा, बाय सचू, बाय बाय। तो गाइस अभी लगभग 8 बज चुके हैं और हमने एक घंटे में तो हम वडोदरा आ गए थे, क्योंकि एक्सप्रेस वे बहुत ही बढ़िया मस्त मक्खन है। अब वडोदरा के बाद हम आगे जा रहे हैं मुंबई की तरफ, तो 6 घंटे दिखा रहा है अभी, 6 आवर्स का तो रास्ता है। 8:30 हो रहे हैं, 8:32 हो रहा है अभी, तो अभी हम 6 आवर्स तो नहीं करेंगे ड्राइव, हम 2-3 घंटा करेंगे, उसके बाद हम 11-12 बजे कहीं रुक जाएंगे। सूरत पड़ेगा बीच में, एक और जगह आती है ना, कौन सी, वापी या क्या आता है, सूरत आता है, वापी पता काफी कुछ आता है, तो रास्ते में कहीं तो हम रुक जाएंगे। हाँ, बीच में रुक जाएंगे। और अभी हमारे को थोड़ा हल्का सा जाम मिल गया है, देखो जरा थोड़ा सा ये जाम मिल गया है रास्ते में, मतलब लगा लो 1-2 किलोमीटर का जाम है, मैं गूगल मैप में देख पा रहा हूँ, 2 किलोमीटर तक थोड़ा जाम है, बाकी अभी तो 8:30 ही हुए हैं, तो थोड़ा जाम ज्यादा रहेगा, खाली होता है 11-12 बजे के बाद थोड़ा कम, पर फिर ट्रक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और थोड़ा साथ में जैसे कि आपको पता है मेरी क्यूटी पाई भी है, तो आई डोंट वांट टू टेक रिस्क, तो मैं आराम से ही 11-12 बजे रुक जाऊंगा सूरत या कहीं पे, एंड कल हम जाएंगे बॉम्बे। कितना सारा खाना मम्मी ने दिया था, देखो दिख रहा आंटी ने हमें खाना दिया था, एक खारी है रास्ते में, बढ़िया गुजराती खाना। और अभी हम वैसे हम डायरेक्ट अगर मुंबई जाना चाहें भी तो भी जाके फायदा नहीं, क्योंकि ना 8 महीने से घर बंद पड़ा है, तो वो सब क्लीनिंग वगैरह करानी पड़ेगी, ये वो, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आराम से कल सुबह सुबह ही बॉम्बे पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद वहां पे कोई ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू उस पूरे घर को साफ करा लेंगे। दिल्ली थे ना 8 महीने से, 8 महीने से वी वर इन दिल्ली। मतलब हम बॉम्बे यहाँ आस पास बहुत ज्यादा ट्रिप्स करते थे एक्चुअली, तो इसलिए हम बॉम्बे गए नहीं थे। बहुत सारी ट्रिप्स करी हमने इन दिस 8 मंथ्स, ऑल्सो टू मेनी ट्रिप्स वी हैव डन इट, बट बॉम्बे नहीं गए थे हम, क्योंकि बहुत ज्यादा सुपर बिजी स्केड्यूल में हम दिल्ली में चल रहे थे उस वक्त। तो अब फाइनली टाइम आ गया है बैक टू नॉर्मल होने का, बैक टू लाइफ होने का, बैक टू जिम होने का। स्पेशली हम दोनों ने बहुत वेट गेन भी कर लिया है, तो अभी नाउ हमारा लीन वाला सीन चलेगा, तो अब दबा के होगी मेहनत। जब तक मैंने सोचा ये आखिरी 1-2 दिन खा लेती हूँ,